आ जाओ चलो। फर्स्ट टाइम देख रहे सर, टीवी में दिखा रहे हैं ह्यूमन से बनती हो रही है। चलो सबको एक्सपोर्ट करते आ जाओ, रेडी फॉर एक्सपोर्ट करवा दो। चाइना मत करना बस। आप यहां से आओ, यहां से सबको दिखेगा, अच्छी जगह खड़े हुए हम। ऐसे ही होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सोचो हेलो, अगर यहाँ पे कोई खुरापाती हो या मेरी नीयत फर जाए फिर जाए, मैं यहीं दरवाजा बंद करके सबको भेज दूंगा। ऐसे ही होती है। कंटेनर में सबको डालो, खाना डालो, पानी डालो, निकालो भैया सबको। कंटेनर के अंदर कौन है? लेबर लगी हुई है। तो स्टफिंग और अनस्टफिंग का काम इस तरीके से होता है, क्योंकि हम इम्पोर्ट हाउस के अंदर है तो ऑब्वियसली सारा काम इम्पोर्ट से रिलेटेड ही हो रहा होगा। इसी तरीके से कंटेनर इसको खाली किया, अंदर रखा, क्लियरेंस हो गया। जैसे जैसे क्लियरेंस होता जा रहा है, फॉकलिफ्ट उठा के गुड्स रखती जा रही है। प्लस अब सवाल है कि मेरा कम माल है या ज़्यादा है, सामने देखो। अब ये प्रोडक्ट क्या है जज करके दिखा दो। ये कांच ग्लास। तो हर तरीके का काम हो सकता है ना, हर तरीके का प्रोडक्ट जा सकता है। अंदर कंटेनर है, ये भी तो हम खाली कंटेनर के अंदर खड़े हुए हैं ना अभी, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग कंटेनर की, अंदर माल डालना, बाहर निकालना, स्टफिंग अनस्टफिंग। किसकी? फ्रूट्स की। यहाँ नहीं है, वो रीफर कार्गो है, वो सी पोर्ट में होती है। यहाँ से आपको कंटेनर रीफर कार्गो, यहाँ आप देख रहे हो कोई भी रीफर कार्गो नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपकी, तो वो सीधा सी पोर्ट की तरफ ही ट्रक में डाल के भेजना पड़ेगा। अगर थोड़ा वो बाय एयर भी जा सकता है? हाँ जा सकता है, बिल्कुल जाता है। वो देखो इम्पोर्ट का कंटेनर आया, अब ये माल इसके अंदर से निकाल के अंदर रख रहे हैं। आपने चाइना से किसी भी कंट्री से कंटेनर मंगाया, आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है कंटेनर, आपके सामने लेबर अंदर निकालेगी, इम्पोर्ट के वेयर हाउस में रखेगी। अब सेम चीज़ आपके सामने फॉकलिफ्ट आ रही है, ये फॉकलिफ्ट आएगी, आपका क्लियरेंस हुआ, ऐसे ही फॉकलिफ्ट ला के आपका सामान सामने देखो, अगर थोड़ा सा आगे आ सकते हो, ये सामने देखो सारे ट्रक है लगे हुए हैं, तो ये सारा का सारा ट्रक में लगते जा रहे हैं, ये माल हमारे पास पहुंच जाएगा। यस। और सर अगर हमारा माल कंटेनर से आया इंपोर्ट होकर और स्टफिंग वो पैलेट्स के हैं, हाँ, तो फिर मजदूर हाथ नहीं लगाएंगे, सीधा मशीन जाएगी। सीधा देखो ना, जो पैलेट्स पैकिंग है उसमें फॉकलिफ्ट आ जाओ, डैमेज चांसेस कम। हाँ जी, ये 20 फीट कंटेनर, ये क्या बता रहे थे जो पैकिंग थी? ग्लास, ग्लास शीशा। आ जाओ। यस, सामने देखो, राइट साइड पे। अरे ओ भाई, साइड हट जाओ, वीडियो बना रहे हैं, चाचा जान आ रहे हैं। यही सेंसिटिव एरिया है। अब वो देखो वो कैसे लेके आ रहा है, हवा खराब हो जाए। बड़े प्यार से रखेगा 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 कंटेनर को, रखेगा वो खाली नहीं होगा ये भरा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आ जाओ, हल्का सा आगे, ज्यादा नहीं, बस आराम से। सर कैसे गिर रहा है? रिस्क है सर, ये तो रिस्क है, हाईली सेंसिटिव एरिया है, कोई आगे नहीं जाएगा, बस यहीं से देखो जो देखना है। जब तक कंटेनर एक कंटेनर के ऊपर ढंग से एडजस्ट नहीं होगा ये छोड़ेगा नहीं। अच्छा, और इसे कैसे पता चलेगा? बैठ गया, बैठ, वो इंजन देखना वहाँ पे क्या कहते हैं, हुक्स लगे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो निकाल रहा है, ऐसे घुस के ऐसे खुल जाते हैं अंदर। सर वो हमारी तरह बेचारे कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, हमें मारेगा क्या? वो देखो नीचे, ये देखो नीचे नीचे, ये देख रहे हो कैसे नीचे से वो खुल गया दरवाजा, खुल गया ना उसका, डोर ओपन हो गया। अब डोर बंद करके इसको दोबारा रख रहे हैं, मेरा रोज का काम है, मेरे को पता यार कहां तक जाएगा, आपको नहीं पता। ये वीडियो गेम खेलने की जगह नहीं है। देखो
अनलोडिंग की। देखा किस तरीके से, अभी भी फिक्स नहीं हुआ। ये अब रखो, अब पूरे क्लॉज लेके आ। नहीं लगता ही है ना कोई भी, क्या एक बड़ी चीज सामने खड़ी है। वहां पे खड़ा था कौन? ये भाई, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो।